जी नाजरीन असा इन वक्त मौजूद आयूँ गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी 15वीं वर्सी सुभाणे मलाई पी वञे। गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में असा सा गड़े इन वक्त मौजूद आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर जो सदर डॉक्टर सफदर अली अब्बासी। अचो तो उन गाल बोल क्यों तो मोहतरमा जी अज 15वीं वर्सी के हवाले से उन चवण है। यही बात जो है मुख्तलिफ ज़रा से आई है कि जो पार्टी की गवर्नमेंट आई 3 महीने के अंदर, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो प्रॉपर अंदाज में जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और तक पहुँचते जो भी काफिल थे, लेकिन उनकी तरफ से एक फरोही जो है ना एक एटीट्यूड दिया गया। वो सियासत ज़्यादा कर रहे थे, इकतदार की बचाने की उनको ज़्यादा फिक्र थी, इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ वो तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से आज 15 साल गुजरने के बावजूद भी केस और इस तरह ये फट हुई थी हमारे दोस्त चौधरी सब साहब की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको ये कहा कि जी आपका लोकल स्टैंड आई कोई नहीं बनता। तो लोकल स्टैंड आई बनता था जिन लोगों का, उन लोगों ने उस तरीके से उसको जो है ना पसू करने की कोशिश नहीं की। तो मैं सवाल तो अल्टीमेटली जो है ना वो सबसे हो सकता है, लेकिन जवाब तो बहरहाल जो है ना जो इकतदार में बैठे थे 5 साल और फिर अभी तक 15 साल से सिंध में इकतदार में बैठे, 174 लोग कारसाज के अंदर जो है ना वो मारे गए, 174 कारकुनों की शहादत हुई, उनका उनकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं आफ्टर ऑल ये एक गवर्नमेंट लेवल पे एक स्टेट वर्सेस ये केस होता है, तो जब स्टेट वर्सेस किसका केस होता है उसमें स्टेट मुदाखलत करती है और स्टेट नेचुरली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसने जो ना वो प्रोसीजर देना होता है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और माजरत चाहता हूँ ये कि वो जो चीज़ थी अपने हमारे जो 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 हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, वक्त गुजर गया और उसकी वजह से आज पार्टी का ये हाल। पेनफुल लम्हात होते हैं जब इस दिन को हम याद करते हैं जब यहाँ आते हैं, क्योंकि एक ऐसी लीडर को, एक ऐसी विजनरी लीडर को जिन्होंने पाकिस्तान की में डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम की हमेशा बात की, जिन्होंने पाकिस्तान के मजलूम आवाम के लिए हमेशा एक यानी सिस्टम के खिलाफ वो लड़ी, उनको जिस तरीके से शहीद किया गया, आज उनकी शहादत को 15 साल हो गए हैं लेकिन आज भी वही सवालिया निशान है कि बीवी के कातिल कौन है, क्योंकि 15 साल गुजरने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, पीपल्स पार्टी के सदर साहब भी रहे, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम साहब भी रहे, सारी एजेंसीज पीपल्स पार्टी के साथ रहीं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि सब रिसोर्सेज होने के बावजूद बीबी के कातिल आज तक नहीं पकड़े जा सके। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी वादा किया, मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, कोई भी लीडर, बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल फिगर थी, एक ब्रिज था वो पाकिस्तान के दरमियान, इस्लाम और वेस्ट के दरमियान एक ब्रिज का काम करती थी। एक इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बात को, जिसके नैरेटिव को लोग समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं, एक फेडरल पार्टी, एक लिबरल पार्टी, एक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसमें रखा